पार्टी के चरणबद्ध आंदोलन के तहत 7 जुलाई को गया के दक्षिणी क्षेत्र जो कि कांग्रेस के संगठनात्मक दृष्टिकोण से कांग्रेस का प्रखंड नंबर 3 है, उसमें समीर तकिया के रविदास टोला, जहां गरीब लोग काफी गरीब लोग रहते हैं, यहां से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। आज इस कार्यक्रम में हमारे यहां से सारे गरीब लोग, माताएं, बहनें, बच्चे, सभी लोग अपने अपने हाथों में थाली लेकर के निकले और महंगाई पर रोक लगाने के लिए थाली और ताली बजा करके विरोध प्रदर्शन किए और नारे को बुलंद किए कि देखो ये मोदी का खेल, सरसों तेल भैल 200 रुपए किलो और डीजल पेट्रोल घरेलू गैस, डीजल पेट्रोल का दाम 100 रुपए लीटर से ज्यादा हो गया और घरेलू गैस 1000 रुपए, दाल 100 रुपए से ज्यादा, गरीबों के थाली से दाल गायब हो रहा है, तेल 200 रुपए किलो होने के चलते भुंजिया और तरकारी गायब हो रहा है। तो देश के गरीब मध्यवर्गीय परिवार ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कमर कसते हुए 10 दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज प्रखंड नंबर 3 में हुआ है। कल यही आंदोलन प्रखंड नंबर 1 पश्चिमी और उत्तरी छोर डेल्हा पर होगा और 9 तारीख को मध्य गया टावर चौक पर होगा, 10 तारीख को पूर्वी गया मानपुर में होगा और उसके बाद 14 तारीख को साइकिल यात्रा और 17 तारीख को पटना के सड़कों पर विशाल प्रदर्शन होगा। यही हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन आज से शुरू हुआ है और 7 जुलाई से 17 जुलाई तक 10 दिवसीय आंदोलन चलेगा। जय हिंद, जय भारत।